गुड मॉर्निंग एवरी वन चलिए लेट्स कंटिन्यू विद आर टी पी क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज़ ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर तो हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च हमें गिवन है इन्वेंट्री एज ऑन फर्स्ट अप्रैल देन परचेज देन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये हमारे कौन से वाले हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस तो हम जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं तो वो कौन से होते हैं

As on 31st March 23, as on 31st March 23, Yaniki last year ka closing stock. Tomatlab is salka opening stock. Last year ka closing, is salka opening. At the time of valuing inventory as on 31st March 23, a sum of 20,000 was written off. on a particular item, which was originally purchased for 55000 and was sold during the year for rupees 50000 रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये क्या है हाँ बिल्कुल सही ये क्या है तो बा तबा तौ ये पैराग्राफ लग रहा है बहुत खतरनाक और आगे क्वेश्चन कह रहा है एक्सेप्ट दी अब मैंशन ट्रांजेक्शन जी पी अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स तो देखो ये जो पैराग्राफ है ये जो आपको बहुत खतरनाक लग रहा है ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू में एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज पर बेस्ड है हमने सीखा था कॉस्ट में क्या क्या आता है और साथ में ये भी सीखा था कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है क्या क्या नहीं आता है तो देखो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर फोर पॉइंट सेवन एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं आता है फर्स्ट पॉइंट एबनॉर्मल अमाउंट्स एबनॉर्मल अमाउंट्स जो भी होते हैं वो इन्वेंट्री के अंदर नहीं आते हैं यानी कि उनको इन्वेंट्री में से हमें हटाना है तो जब क्वेश्चन कहता है ना कि हमने कुछ राइट ऑफ कर दिया स्टॉक पर तो ये है एक एबनॉर्मल आइटम इसी स्टॉक को हमने आगे बेच दिया तो ये भी क्या है एक एबनॉर्मल आइटम राइट right ऑफ का मतलब इन्वेंट्री पर क्या होता है बहुत सी इन्वेंट्री ऐसी होती है जो रखे रखे पड़े पडे उसकी वैल्यू जो है ना वो फॉल होती रहती है सिर्फ रखने से जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं सिर्फ प्रिजर्व करने से उनकी वैल्यू बढ़ती है जैसे घर में मम्मा अचार डालती हैं तो अचार बना कर की मम्मी क्या कहती हैं अब इसको पड़े रहने दो, दो तीन दिन तो उससे क्या होगा वो रखे रखे में वो जो अचार है वो आपका रेडी हो जाएगा तो यू अंडरस्टैंड कि वो टाइम का प्रोसेस है आप सब रखे रहते हो ना तो वैल्यू बढ़ती है ऐसे ही फॉल भी होती है कॉटन कॉटन के केस में ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक रहती है तो उसकी वैल्यू में जो है फॉल आ जाता है तो उसकी वजह से कभी कभी हम क्या कर देते हैं राइट ऑफ तो राइट ऑफ को मानना है एबनॉर्मल यानी कि इसको हमारी स्टॉक वैल्यूएशन से हटाना है तो देखो हम जब स्टॉक को वैल्यू करेंगे तो हम वैल्यू कैसे करते हैं हमारा बेसिक सा सीओजीएस का फॉर्मूले से हम लोग इसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने इसको किया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सी निकालना है कैसे निकालेंगे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस जी पी इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग अब ये जो हमारे पास अमाउंट्स हैं इनमें हम चेक कर लेते हैं एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर है सबसे पहले तो 31 मार्च 23 थ्री इस स्टॉक में एडेड है इसका मतलब करंट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में एडेड है तो करंट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है यहां से हम इस एबनॉर्मल आइटम को हटा देंगे ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कितनी गिवन है तीन लाख पचास हजार तो ओपनिंग स्टॉक वैल्यू आ रही है तीन लाख पचास हजार यहां से माइनस कर देंगे हम एबनॉर्मल आइटम देखिए एबनॉर्मल आइटम अ सम ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर फिफ्टी फाइव सम ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड वॉज रिटर्न ऑफ ऑन एन आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर फिफ्टी फाइव थाउजेंड हमने एक हमारी इन्वेंट्री आइटम पचपन हजार की खरीदी थी फिफ्टी फाइव थाउजेंड की हमने बाय की थी इसमें से हमने कितना राइट ऑफ कर दिया है ट्वेंटी थाउजेंड तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड में से आपने ट्वेंटी थाउजेंड राइट ऑफ कर दिया तो यानी कि वैल्यू आ गई है थर्टी फाइव तो आपने इस ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितनी वैल्यू ले रखी है पैंतीस हजार आइटम था फिफ्टी फाइव थाउजेंड का आपने राइट ऑफ कर दिया बीस हजार आइटम है फिफ्टी फाइव का राइट ऑफ कर दिया ट्वेंटी तो आपने जो वैल्यू स्टॉक में ले रखी है इंक्लूड कर रखी है वो कितनी हो गई है थर्टी फाइव अब ये है एबनॉर्मल तो इसको अब हमें क्या करना है इसको अब हम स्टॉक से हटा देते हैं तो ओपनिंग स्टॉक 350 इसमें से माइनस किया 35 तो ये स्टॉक जो है ये हम कंसिडर करेंगे तीन लाख पंद्रह हजार ये तो आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक परचेजेस हमें गिवन है परचेजेस हमें गिवन है बारह लाख डायरेक्ट एक्सपेंस हमें गिवन है एक लाख परचेजेस बारह लाख डायरेक्ट एक्सपेंस एक लाख क्लोजिंग अभी हमें निकालना है सेल्स पर आते हैं सेल्स हमें गिवन है अट्ठारह लाख पचास हजार सेल्स हैं 18 लाख पचास हजार लेकिन इस सेल के अंदर हमारा वो एब नॉर्मल वाला सेल भी इंक्लूडेड है एबनॉर्मल आइटम वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के एक्सक्लूजन के पॉइंट फर्स्ट पर हैं एबनॉर्मल अमाउंट को जो है हटाना है तो so, सेल भी अब नॉर्मल जो है उसको क्या करना है हटाना है तो so, हम अब सेल में से माइनस कर देते हैं पचास हजार सेल्स का जो अमाउंट है ना वो हम करेंगे माइनस तो सेल का अमाउंट है पचास हजार तो सेल में से अब नॉर्मल हटा दो तो सेल कितने की आ गई एटीन लाख ये इफेक्ट है हमारे इस पूरे तोबा तोबा वाले पैराग्राफ का तो इस पैराग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है हमने कुछ राइट ऑफ किया है यानी कि आइटम कैसी बन गई है एबनॉर्मल तो एबनॉर्मल आइटम्स को एक्सक्लूड करना है तो हटा दो कहाँ कहाँ से हटाओगे जहाँ जहाँ इसका इम्पैक्ट आया इसका इम्पैक्ट आया है ओपनिंग स्टॉक पर साथ ही साथ सेल्स पर क्योंकि ये 31 मार्च 23 के स्टॉक में इंक्लूडेड है यानी कि इस साल के ओपनिंग में इंक्लूडेड है तो उसको हटा दो और इसको हमने बेचा है तो सेल में इंक्लूडेड है इतना सा आपने काम किया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बनती है अब करेक्ट इक्वेशन तो 18 लाख की हमारी सेल्स इसमें से माइनस करेंगे हम मार्जिन मार्जिन क्वेश्चन कह रहा है 20 परसेंट तो इसमें से माइनस किया 20 परसेंट इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक कितना तीन लाख पंद्रह हजार परचेजेस बारह लाख डायरेक्ट एक्सपेंस एक लाख क्लोजिंग हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है तो एटीन लाख माइनस ट्वेंटी परसेंट चौदह लाख चालीस हज़ार चौदह लाख चालीस हज़ार की हमारी आ गई है सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जी पी माइनस कर दिया है इज इक्वल्स टू तीन लाख पंद्रह हज़ार प्लस बारह लाख प्लस एक लाख सोलह लाख पंद्रह हज़ार माइनस क्लोजिंग इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी सोलह लाख पंद्रह हजार माइनस 14 लाख चालीस हजार वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया है एक लाख पचहत्तर हजार बस पेपर प्रेजेंटेशन में क्या करना है जैसा हमने हमेशा सीखा हुआ है कि अगर कोई भी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमेशा स्टेटमेंट बनाएंगे स्टेटमेंट कैसे बनानी है बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जो आप आपके फॉर्मूले में प्लस माइनस कर देते हो उसको ले आओ वर्टिकल एक के नीचे एक तो ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस सी और आपको क्या मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक तो देखिए लेटेस्ट चेक क्वेश्चन नंबर सिक्स तो बनानी है हमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट किया ओपनिंग स्टॉक में से एबनॉर्मल हटा दिया तो ओपनिंग स्टॉक थ्री वन फाइव परचेजेस बारह लाख डायरेक्ट एक्सपेंस एक लाख उसके बाद सी ओ जी एस चाहिए हमें सेल्स अठारह पचास एबनॉर्मल सेल हटा दी हमने तो सेल आ गई 18 लाख 18 लाख में से माइनस किया मार्जिन तो हमारे पास सी ओ जी एस आ गया 1440, फोर्टी फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने निकाल लिया है क्लोजिंग स्टॉक वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो सिर्फ क्या करना है एब नॉर्मल ओपनिंग हटा दो एब नॉर्मल सेल्स हटा दो तो हमने निकाल लिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री वन सेवेंटी फाइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन मैसेस दीपक ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज टेन ट्रक्स ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया था टेन ट्रक्स खरीदे पचास लाख के ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी टू देखिए यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है ये डेट को करेक्ट कीजिएगा दिस इज नॉट फर्स्ट जनवरी 22, दिस इज फर्स्ट जनवरी 23 तो क्वेश्चन में यहाँ करेक्शन है डेट करेक्ट करेंगे फर्स्ट जनवरी 23. One वन ऑफ द ट्रक इज in इन एन एक्सीडेंट एंड इज destroyed, डिस्ट्रॉयड एंड थर्टी फाइव लैक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस

23 का अकाउंट बनाना है ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। अकाउंट बनाएंगे 23-24 का। यानी कि हमारा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट अप्रैल 22 से साल खत्म होना चाहिए इकतीस मार्च 23 तो साल कौन सा बना 22 तेईस तो स्टार्ट कब से होगा फर्स्ट अप्रैल 22 से साल अगर है 31 मार्च 24 को एंड हो रहा है तो आपका अकाउंटिंग ईयर क्या बना 23 24 तो यानी कि हमारा मोटर ट्रक अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट अप्रैल 22 से तो देखो हमें बनाना है मोटर ट्रक फर्स्ट अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 बनाएंगे फिर बनाएंगे फर्स्ट अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। तो हमारा जो अकाउंट हमें फ़र्स्ट अप्रैल 22 से स्टार्ट करना है क्या ये ट्रक के परचेज की डेट है नहीं ट्रक हम पहले ही बाई कर चुके हैं जब भी आपको एसेट का अकाउंट बाय के डेट के बाद से बनाना है इसका मतलब हमारा एसेट अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ तो हमें सबसे पहले चाहिए बैलेंस ब्रॉड डाउन एज ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी टू हमें चाहिए बैलेंस एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 22 हमारे ट्रक का डेट ऑफ परचेज हमने ट्रक बाई किया है फर्स्ट अक्टूबर 20 को हम टोटल 10 ट्रक लाए हैं लेकिन सबका कॉस्ट सेम है तो हम एक ट्रक की कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे इनटू में 10 तो फर्स्ट अक्टूबर 20 हमने ट्रक बाई किया ट्रक की कॉस्ट ट्रक की कॉस्ट है फिफ्टी लाख फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्रक बाई किया हमने फिफ्टी लाख पर हमारा मेथड डेप्रिसिएशन का है ट्वेंटी परसेंट कॉस्ट तो जब हम ये ट्रक लाए वन टेन ट्वेंटी में तो सबसे पहला साल जो हमने इस पर डेप लगाया होगा दैट इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब इसमें क्वेश्चन में क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो डेट्स का डबल डबल ध्यान रखना पड़ेगा वरना गलती हो जाएगी तो 2021 का डेप लगाएंगे कितने महीने का लगाएंगे? सिक्स मंथ्स दस अक्टूबर में लाए हैं हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च सिक्स मंथ्स का डेप लगाएंगे यानी कि 50 लाख ,00 पर 20% परसेंट का रेट कितने महीने के लिए छः महीने के लिए तो 50 लाख ,00 पे 20% परसेंट तो हमारा डेप आ गया है पाँच लाख ,00 2021 का फिर 21-22 में भी डेप लगा होगा क्योंकि हमें तो बैलेंस चाहिए फर्स्ट अप्रैल 22 को तो डेप लगाते हैं नेक्स्ट ईयर का 21-22 का 21-22 में तो पूरे साल का डेप लगा होगा पूरे साल था ट्रक हमारे पास तो पूरा साल यानी कि 50 लाख का 20% परसेंट तो 21-22 का डेप्रिसिएशन कितना 10 लाख तो पहले वाले दोनों साल में हमने डेप लगा दिया अब हमें मिल जाएगी बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू इसी को हम क्या कहते हैं बैलेंस एज ऑन बैलेंस एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 22। डब्ल्यूडीवी डब्ल्यू डी वी कहें या बुक वैल्यू कहें या बैलेंस कहें एक ही मतलब है एज ऑन ये हम निकालेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू को और जो 31 मार्च 22 का सी डी है वो ही फर्स्ट अप्रैल 22 का बी डी है तो देखिए ये बैलेंस हमारा आ गया है 35 लाख हमारा मोटर ट्रक अकाउंट इसी बैलेंस से स्टार्ट होगा 35 लाख के बैलेंस से ये एक ट्रक का आया है हमें चाहिए 10 ट्रक्स का टेन तो ट्रक्स का हो गया है थ्री करोड़ फिफ्टी लाख तो ये हमारा आ गया है बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे ट्रक अकाउंट के अंदर इस दिन से हमने हमारा ट्रक अकाउंट बनाना स्टार्ट किया फर्स्ट अप्रैल 22 से अब देखो 22, 23 जो साल है 22, 23 जो हमारा ईयर है बाईस तेईस के अंदर क्या हुआ बाईस तेईस के अंदर ऑन फर्स्ट जनवरी 23, एक ट्रक हमारा एक्सीडेंट हो गया डिस्ट्रॉय हो गया 35 फाइव लैख इज रिसीव्ड फ्रॉम दी इंश्योरेंस तो एक ट्रक हमारा डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट की डेट है फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री तो क्या हम इस दिन तक इस ट्रक पे डेप लगाएंगे डेफिनेटली लगाएंगे क्योंकि ट्रक हमारे पास था तो डेप जो हम लगाएंगे वो कब से कब तक का अप्रैल बाईस से स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट जैन तेईस तक लगा देते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो डेप हम लगाएंगे नाइन मंथ्स का तो डेप्रीसिएशन फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एक ट्रक पर जो हमारा चला गया नौ महीने का लगाना है तो पचास लाख पर बीस परसेंट नौ महीने के लिए चेक करें डेप सात लाख पचास हज़ार डेप्रीसिएशन हमारी आ गई है सात लाख पचास हजार यानि कि जिस दिन इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उस दिन हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी थी बुक वैल्यू इस ट्रक की एज ऑन वन वन ट्वेंटी थ्री तो देखो हमारी बुक्स में वैल्यू थी ट्वेंटी सेवन लैख फिफ्टी सत्ताईस लाख पचास हजार की वैल्यू थी और हमें इंश्योरेंस क्लेम और हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल गया है थर्टी फाइव लाख कुछ बातें जो सिर्फ क्लासरूम क्वेश्चन में हो सकती हैं रियल लाइफ में कभी नहीं हो सकती कि अगर आपका नुकसान हुआ है सत्ताईस लाख पचास हजार का आपको क्लेम मिल रहा है थर्टी फाइव लाख का तो जो हमारा इंश्योरेंस होता है ना दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो जितना आपको लॉस हुआ है उससे ज्यादा तो आपको मिल ही नहीं सकता बट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ठीक है क्लेम आया है थर्टी फाइव लाख का इसका मतलब एक्सीडेंट जो हुआ उससे हमें नुकसान नहीं हुआ उससे हमें हो गया है फायदा प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट तो सत्ताईस लाख पचास हजार की बुक वैल्यू पैंतीस लाख का इंश्योरेंस तो प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया है सात लाख पचास हज़ार का तो चलो पहले ज़रा यहाँ तक अकाउंट में काम करते हैं हम बैलेंस लेकर के आए हैं तीन करोड़ पचास लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस और इसी के साथ साथ जाने वाले ट्रक की अकाउंटिंग करते हैं जब भी कोई एसेट जाता है उससे रिलेटेड हमारे एसेट अकाउंट में तीन अमाउंट्स आते हैं एक तो बैंक पैसा कितना मिला दूसरा सेल या एक्सीडेंट के डेट तक का डेप्रिसिएशन और तीसरा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल या फिर बाय एक्सीडेंट तो तीनों अमाउंट्स हम निकाल चुके हैं ये रहा हमारा डेप्रीसीशन ये हमारा कैश रिसीव्ड और ये हमारा लॉस ऑन सेल तो चलिए जरा अकाउंट में पहले इसको डालते हैं तो ट्रक अकाउंट स्टार्ट किया हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन से तीन करोड़ पचास लाख इसके बाद डालेंगे हम जाने वाले ट्रक की डिटेल्स डेट क्या है फर्स्ट जनवरी तेईस फर्स्ट जनवरी तेईस बाय बैंक पैंतीस लाख जितना हमें क्लेम मिला इस पर डेप कितना लगा था साढ़े सात लाख ये डेप हमेशा से अलग से दिखाना है ध्यान रखना ये हमारा डेप आ गया और इस बार प्रॉफिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड पर आ जाएंगे टू प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ ट्रक साढ़े सात लाख देखो ये जो टू पी एंड एंडल लिखा हुआ है ना ऊपर मतलब आप ऑब्लिक करके आप चाहो तो टू पी एंड एंडल लिख लो वो भी करेक्ट है आप चाहो तो टू प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ ट्रक लिख लो बट अगर हम कंसेप्चुअली बात करें तो फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री को देखिए पी एंड एंडल तो ओपन नहीं हुआ ना पी एंड एल तो थर्टी फर्स्ट मार्च को ही ओपन होगा तो इसलिए यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ ट्रक बेटर है बट आपके इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं ठीक है तो हमारा प्रॉफिट आ गया है साढ़े सात लाख का आगे चलते हैं और इस साल हमने क्या किया ऑन द सेम डेट ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज़ परचेज फॉर रुपीज़ सिक्सटी लैख तो हमें तो जरूरत दस ट्रक की थी तो एक ट्रक चला गया तो हम नया ट्रक लेकर के आ गए साठ लाख का तो लीजिए ज़रा अकाउंट में डाल देते हैं इसको नया ट्रक लेकर के आए ना हम फर्स्ट जनवरी टू बैंक साठ लाख बाईस तेईस में और कुछ नहीं हुआ तो हम आ जाते हैं आखिरी दिन इकतीस मार्च और क्या चार्ज करना है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चलिए ज़रा कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर डेप डेप्रीसी फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री अभी पहले तो हमने जाने वाले की निकाली थी अभी जाने वाले तो गए अब रिमेनिंग की बात करते हैं हमारे पास इस समय जो ट्रक्स हैं, देखो हमारे पास है नाइन ओल्ड ट्रक्स पहले दस थे एक चला गया तो हमारे पास है नाइन ओल्ड ट्रक्स और एक हम अभी अभी लेकर के आए हैं तो हमारे पास है वन न्यू ट्रक टाइम जो पुराने वाले नौ ट्रक हैं वो पूरे साल रहे पूरे साल रहे तो हमारे एक ट्रक की पूरे साल का डेप कितना था दस लाख तो नौ ट्रक का पूरे साल का डेप कितना हो गया नब्बे लाख देखो हमारा मेथड है एस एल एम ट्वेंटी परसेंट एस एल एम लगा रहे हैं हम कॉस्ट पे लगेगा एक ट्रक की कॉस्ट कितनी है पचास लाख तो पचास लाख पर बीस परसेंट तो दस लाख एक ट्रक पर हमारे पास है नौ ट्रक तो इनका डेप्रिसिएशन हो गया नब्बे लाख अब देखो नए वाले ट्रक नया वाला ट्रक हम लाए थे साठ लाख का और किस दिन लाए थे फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री तो साठ लाख का ट्रक बीस परसेंट का रेट कितने महीने के लिए जनवरी फेबररी मार्च थ्री मंथ्स तो साठ लाख का ट्रक बीस परसेंट का रेट तीन महीने के लिए तो हमारा डेप्रिसिएशन तीन लाख इस पर आ गया है तो टोटल डेप्रिसिएशन नाइन्टी थ्री लाख तो करंट ईयर बाईस तेईस का डेप नौ पुराने ट्रक एक नया ट्रक पुराने वाले ट्रक का कॉस्ट है पचास लाख रेट है बीस परसेंट तो एक ट्रक का एक साल का डेप दस लाख तो नौ ट्रक का नब्बे लाख उसके बाद नया वाला ट्रक उसका तीन लाख तो टोटल डेप हो गया है नाइन्टी थ्री लाख तो हम अकाउंट में पोस्ट करेंगे अकाउंट के अंदर हम डालेंगे नाइन्टी थ्री लाख और ये अकाउंट क्लोज टू करोड़ एटी टू लाख के साथ नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर हमें अकाउंट बनाना है तेईस चौबीस का उसमें कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं ना कोई सेल है ना कोई परचेज है तो सीधा साल के अंतिम दिन और क्या चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन चलो जरा चेक करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 23-24 अब तेईस चौबीस में हमारे पास क्या क्या है वही हमारे नाइन तो पुराने वाले ट्रक और एक हमारा नया ट्रक तो नौ जो पुराने वाले ट्रक हैं मेथड एस है पिछले साल नब्बे लाख लगा था तो इस साल भी सेम टू सेम शाम टू शाम नब्बे लाख और वन न्यू ट्रक साठ लाख की कॉस्ट बीस परसेंट का रेट और ये तो हमारे पास ही रहा ना अब तो पूरे साल तो पूरे साल का डेप आ गया बारह लाख तो हमारा टोटल डेप एक करोड़ दो लाख नब्बे लाख और बारह लाख एक करोड़ दो लाख तो अकाउंट में डाल देते हैं एक करोड़ दो लाख और ये अकाउंट हमारा क्लोज तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेवन ट्रक अकाउंट बनाना है हमें सिर्फ देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन चेक कर लिया आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आद्या ओड वन लाख टू आन्या आद्या ओड वन लाख टू आन्या इसका मतलब आद्या ने आन्या को पैसा देना है आद्या ने आनिया को पैसा देना ऑन फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी थ्री आद्या एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन तो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कौन करता है जिसने पेमेंट देनी होती है तो आद्या ने पेमेंट देनी थी आद्या ने बिल एक्सेप्ट कर लिया एंड द बिल वॉज ड्रॉन बाय आन्या बिल ड्रॉ कौन करता है जिसको पैसा लेना होता है फॉर द अमाउंट एट थ्री मंथस पहले आगे बढ़ने से पहले चेक कर लेते हैं बनाना क्या है क्वेश्चन में पास जर्नल एंट्रीज़ विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ आनिया इग्नोर डेट्स आहा इग्नोर डेट्स डेट तो डालनी नहीं है सिर्फ़ जर्नल एंट्री डालनी है आनिया की बुक्स में तो चलो चेक करते हैं हमारी सबसे पहली ट्रांजेक्शन आद्या ने एक्सेप्ट किया आनिया ने बिल ड्रॉ किया तो हमने बिल ड्रॉ कर लिया है हमें एंट्री बनानी है आन्या की बुक्स में तो आन्या की बुक्स में बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या बन जाएगी बिल रिसीवेबल टू डेटर यानी कि बिल रिसीवेबल टू आद्या एक लाख के अमाउंट से ठीक है उसके बाद आन्या गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद दिस बैंक फॉर नाइन्टी नाइन थाउजेंड ऑन थर्ड अक्टूबर ट्वेंटी थ्री तो आन्या ने इस बिल को करा लिया डिस्काउंट तो बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक डिस्काउंट टू बी आर बैंक में आया नाइन्टी नाइन इसका मतलब डिस्काउंट हो गया है एक हज़ार का तो बिल रिसीवेबल चला गया एक लाख का ठीक है बढ़िया बिफोर द ड्यू डेट बिफोर द ड्यू डेट आद्या अप्रोच आन्या रीनूवल ऑफ़ द बिल अब आद्या कह रही है भी मैं तो पेमेंट नहीं कर पाऊँगी बिल को कर दो रिन्यू। बिल को हमें जब भी रीन्यू करना है सबसे पहले कौन सी एंट्री डालनी है बिल को कैंसिलेशन करने की फिर आगे इन्होंने क्या अग्री किया वो अगली एंट्री में सबसे पहले हम बिल को करने वाले हैं कैंसिल यहाँ कैंसिलेशन की एंट्री में पूरे पूरे गलती होने के चांसेस हैं देखो ये जो बिल हम कैंसिल कर रहे हैं ये बिल कैसे वाला है जिसको हमने बैंक से क्या करवा रखा था डिस्काउंट अगर आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था ऐसे बिल को तो हम हमारी बुक्स के अंदर याद करो क्या दिखाते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी क्योंकि इस बिल के साथ एक रिस्क है अगर डिस्काउंटेड बिल की पेमेंट आपने बैंक को नहीं करी तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेगा इसीलिए हम क्या बोलते हैं ये तो एक लाइबिलिटी है भाई जब तक मचॉरिटी डेट ना आ जाए अगर ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो पैसा अपने अकाउंट से जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल यही हुआ हमने बिल को कराया डिस्काउंट ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया इसका मतलब बैंक हमसे पैसा ले लेगा तो हम जब इस बिल को कैंसिल करेंगे हम जब एंट्री को रिवर्स करेंगे तो आद्या आद्या टू बी आर नहीं आद्या टू बैंक हम करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैंसिलेशन की एंट्री जिसमें गलती हो सकती है खास ध्यान रखना है तो देखो थर्ड एंट्री पहली और दूसरी तो ऐसे ही बच्चों वाली है बिल ड्रॉ किया बैंक से फिर डिस्काउंट कराया थर्ड पर आ जाओ आद्या टू बैंक और अमाउंट का खास ध्यान रखना बैंक को पैसा कितना जाएगा पूरा एक लाख गलती से भी नाइन्टी नाइन थाउजेंड नहीं पूरा का पूरा एक लाख ये हम देंगे बैंक को तो आद्या डेबिट वापस से हमारी बुक्स में आओ डेटर बनो तुम्हारे साथ सेटलमेंट नहीं हुआ अभी और टू बैंक बैंक ने हमसे पैसा ले लिया जो थोड़ा सा भी सावधानी को हटाया ना तो यहाँ एंट्री तुम क्या बना दोगे आद्या टू बी आर तो यहाँ आद्या टू बी आर नहीं बनेगा क्योंकि बैंक से बिल हो चुका है डिस्काउंट तो आद्या टू बैंक पहले हमने कैंसिल करा अब देखते हैं हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ है आद्या के साथ अब आन्या अग्रीड ऑन दंडीशंस दैट फिफ्टी थाउजेंड बी पेड इमिजिएटली टू विद इंटरेस्ट फिफ्टी थाउजेंड बी पेड इमीजिएटली टूगेदर विद इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट कैसे आ रहा है इन कैश इन कैश मतलब इन कैश दो चीज़ें आ रही हैं पचास हजार कैश आएगा साथ के साथ इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट कितना रिमेनिंग अमाउंट टोटल अमाउंट कितना है जो आध्या से लेना है एक लाख उसमें से आद्या कितना देने को तैयार है पचास हजार इसका मतलब इंटरेस्ट लगेगा बैलेंस पचास हजार के अमाउंट पर बारह परसेंट के रेट पर तीन महीने के लिए अस कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट पचास हजार का बिल बैलेंस अमाउंट इंटरेस्ट रेट हम ले रहे हैं बारह परसेंट तीन महीने के लिए पचास हजार पे बारह परसेंट तीन महीने के लिए तो देखो इंटरेस्ट हमारा आ गया है पंद्रह सो तो आद्या को हमने क्या बोला भाई कैश दे दो हमें पचास हजार तो कैश बिल का और साथ ही साथ हमें दे दो 1500 इंटरेस्ट का तो आन्या अग्री कर रही है इसी कंडीशन पर कि 50,000 मुझे अभी दोगी 1500 मुझे इंटरेस्ट का दोगे और फॉर द बैलेंस आद्या शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट थ्री मंथ्स तो बैलेंस कितना बचा अब 50,000 तो नया वाला बिल ये बनेगा 50,000 का इसका मतलब तो अब देखो हमारी एंट्री यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी एंट्री बन जाएगी कैश आ गया पचास हज़ार और पंद्रह सौ इंटरेस्ट तो फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड हमारे पास आ गया है बिल पचास हज़ार का आद्या को अपनी बुक्स में से अब हटा देंगे हम इनको हमने डेटर बनाया था अब हटा देंगे एक लाख का अमाउंट था और साथ ही साथ हमें फायदा हो गया है 1500 का फायदा यानी कि इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट जो फायदा है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट तो टू इंटरेस्ट तो देखो हमारी यहाँ पर एंट्री बनने वाली है कैश डेबिट 51500 बीआर डेबिट 50,000 हजार टू आद्या एक लाख टू इंटरेस्ट 1,500 तो बेसिकली अब अगर हम ध्यान से देखें तो आद्या से पैसा आना कितना बाकी है पचास हजार ही आना बाकी है अब क्योंकि पचास हजार तो वो कैश में दे चुकी है। तो रिन्यूअल का अरेंजमेंट हमारा ये है आप चाहे इसको एक साथ बनाओ चाहे आप इसको अलग अलग बनाओ तो रिन्यूअल की हमारी एंट्रीज देखें तो हमारा इंटरेस्ट पंद्रह सौ कैश कलेक्शन फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड और अभी जो बिल दिया है आद्या ने जो अभी पैसा आना बाकी है वो है पचास हजार का देखते हैं पैसा आया कि नहीं आया दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट बट आफ्टर वर्ड्स आद्या बिकेम इंसॉल्वेंट जैसे ही हमारा ड्रॉई हुआ इंसॉलवेंट वैसे ही सबसे पहले क्या करना है बिल को कैंसिल करना है सबसे पहले कैंसिलेशन एंट्री डालेंगे तो कैंसिलेशन एंट्री आ गई आद्या टू बी आर ध्यान रखना है भूलना नहीं है ये एंट्री बनाना क्योंकि तुम लोग सीधा आ जाओगे कलेक्शन पर अच्छा चालीस परसेंट आया अच्छा इतना आ गया इतना बैड डेट तो उससे पहले ध्यान रखना है पहले पुराने वाले बिल को क्या करना है कैंसिल तो पहले आद्या टू बी आर पचास हज़ार बिल कैंसिल अब हमें कितने पैसे मिल रहे हैं फोर्टी परसेंट कुट रिकवर्ड फ्रॉम दस्टेट तो हमारे को टोटल मिलना था पचास हजार टोटल में से चालीस परसेंट मिल रहा है यानी कि बीस हजार तो इसका मतलब बैलेंस तीस हजार ये क्या हो जाएगा बैड डेट हो जाएगा तो so, हमारी अगली एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट बीस हजार बैड डेट डेबिट तीस हजार टू आद्या पचास हजार और यहीं अगर हम आद्या की बुक्स में होते तो बैड डेट कीजेंगे हम कौन सा अकाउंट ओपन करते डेफिशिएंसी अकाउंट तो जिसने बिल रिसीवेबल लिया है उसका बैड डेट जिसका बिल पेबल है उसकी बुक्स में डेफिशिएंसी तो लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी एंट्रीज हमारी बन गई हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर एट क्लियर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन हमारे पास है एक ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस के बाद स्टॉक ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर वैल्यूड एट वन लैख डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट टेन परसेंट फिक्स्ड एसेट्स एंड द स्क्रूटनी रिवील्ड दी फॉलोइंग मैटर्स तो कॉम्बिनेशन है फाइनल अकाउंट्स और रेक्टिफिकेशन का लेटर सी क्या क्या एरर्स हमसे हुए हैं ट्वेंटी थाउजेंड ड्रॉन फ्रॉम बैंक डेबिटेड टू अकाउंट बट आउट ऑफ दिस अमाउंट बारह हजार वॉज यूज इन द बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस हमने बैंक से बीस हजार निकाले और हमने सारे के सारे ड्रॉइंग्स में डाल दिया ड्रॉइंग्स में डाले तो हमने एंट्री क्या बनाई ड्रॉइंग्स टू बैंक लेकिन उसमें से बारह हजार ये तो क्या है बिजनेस का खर्चा तो ये तो एक्सपेंसेस के नाम से आना चाहिए था ड्रॉइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी आठ हजार एक्सपेंस डेबिट होने चाहिए थे बारह हजार और फिर आना चाहिए था टू बैंक यानी कि हमारी करेक्ट एंट्री हमारी करेक्ट एंट्री होती ड्राइंग्स डेबिट आठ हजार एक्सपेंस डेबिट बारह हजार टू बैंक बीस हजार लेकिन हमने क्या किया रॉन्ग एंट्री हमने क्या किया ड्राइंग्स टू बैंक अब हम करते हैं इसका रेक्टिफिकेशन करेक्ट करते हैं तो देखो बैंक जो है ना वो तो करेक्ट है उसमें तो कुछ होना नहीं ड्राइंग्स आपने आठ हजार से डेबिट की जगह बीस हजार से डेबिट कर दी आठ हजार से डेबिट करना था बीस हजार से डेबिट है तो आप क्या करेंगे बारह हजार से बारह हजार से ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे क्रेडिट तो टू ड्रॉइंग्स बारह हजार और एक्सपेंस बारह हजार डेबिट करना था वो किया नहीं तो हमारी एंट्री बन गई एक्सपेंस टू ड्रॉइंग्स बारह हजार तो सबसे पहला रेक्टिफिकेशन एक्सपेंस टू ड्रॉइंग्स बारह हजार नेक्स्ट गलती देखें परचेज़ ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड वॉज नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड तो सबसे ज़्यादा आसान है सिर्फ एंट्री डालनी है बट द गुड्स वर इंक्लूडेड इन स्टॉक हाँ क्योंकि स्टॉक तो हमने फिजिकल इन्वेंट्री से लिया होगा ना स्टॉक टेकिंग करने के बाद तो स्टॉक में सामान है लेकिन बुक्स में एंट्री नहीं है सामान खरीद के लाए हो तो क्या एंट्री बनाओगे परचेज टू परचेज टू क्रेडिटर्स कुछ ने लिखा तो परचेज को हमेशा किस पर मानना है क्रेडिट पर तो परचेज टू क्रेडिटर्स सोलह हजार तो पहली एंट्री थी एक्सपेंस टू ड्रॉइंग्स बारह हजार दूसरी एंट्री है परचेज टू क्रेडिटर्स सोलह हजार थर्ड रेक्टिफिकेशन देखो परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न यहीं पर रुकते हैं रिटर्न की एंट्री चेक करते हैं अगर आप करते हो परचेज रिटर्न तो देखो एंट्री क्या बनेगी परचेज की बनती है परचेज टू क्रेडिटर्स तो रिटर्न की क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न तो क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करें जब हम सामान बेचते हैं हम करते हैं डेटर टू सेल तो अगर सामान रिटर्न होकर के आता है तो हम करते हैं सेल्स रिटर्न टू डेटर ठीक है ये हमारी करेक्ट एंट्रीज हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की अब यहाँ पर हमने क्या किया परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कर लिया सेल्स रिटर्न में लेकिन अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू पार्टीज अकाउंट एंड आल्सो ऑन द करेक्ट साइट तो जैसी गलती हमसे हुई है उसमें जो हमारी पार्टी है ये तो बिल्कुल सही है यहां कोई मिस्टेक नहीं है मतलब इसको इग्नोर कर दो आपसे जो गलती हुई है वो सिर्फ कहाँ हुई है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में तो आपने परचेज रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था वो आपने नहीं किया अब करते हैं तो टू परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न कितने से हजार से ये तो आपने नहीं किया अब करेंगे दूसरी चीज आपने इसको कैसे दिखाया सेल्स रिटर्न अगर आपने इसको सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किया तो आपने सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया जबकि गलत है क्योंकि ये सेल रिटर्न है ही नहीं तो जो गलत सेल रिटर्न आपने डेबिट किया उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट तो टू सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों किया क्योंकि करना था सेल रिटर्न क्रेडिट क्यों किया क्योंकि हमने उसको गलती से डेबिट कर दिया था तो अब हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री है टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न तो एंट्री को कंप्लीट करेंगे सस्पेंस की मदद से सस्पेंस डेबिट तो सस्पेंस डेबिट दो हजार टू परचेज रिटर्न एक हजार टू सेल्स रिटर्न एक हजार ठीक है उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड सिक्स थाउजेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हमारा तो साल खत्म हो गया इकतीस मार्च चौबीस को अभी उसके बाद का खर्चा हम कर चुके हैं छ हजार रुपये तो अगर आपने आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद किया है खर्चा तो उसको क्या बोलेंगे हम प्री पेड एक्सपेंस एंट्री देखो सबसे पहले तो जो एंट्री रटी हुई है ना वो है आउटस्टैंडिंग की ठीक है आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या डालते हैं सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अब ये तो याद है यहीं से रिवर्स कर दो अगर आउटस्टैंडिंग की ये होती है तो प्रीपेड की रिवर्स हो जाएगी तो प्रीपेड की हो जाएगी प्रीपेड सैलरी टू सैलरी तो यहां पर हमारे पास कोई नाम नहीं है सिर्फ एक्सपेंस लिखा हुआ है तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमारी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट छः हज़ार टू एक्सपेंस छ हज़ार लीजिए लास्ट रेक्टिफिकेशन आ गई है prepaid expense एक्सपेंस डेबिट छः हज़ार टू एक्सपेंस हज़ार तो हमारी सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री कंप्लीट है एक बार फिर से देख लेते हैं सारी की सारी सबसे पहली एंट्री हमने ड्राइंग्स की थी लेकिन हमने सारा का सारा पैसा ड्राॅइंग्स में डाल दिया था जिसमें खर्चे भी थे बारह हजार के वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए तो पहली एंट्री एक्सपेंस टू ड्राॅइंग्स बारह हजार एक्सपेंस बारह हजार से डेबिट ड्राॅइंग बारह से क्रेडिट दूसरा हमने परचेज किया था रिकॉर्ड ही नहीं किया अब कर लेते हैं क्रेडिट परचेज परचेज टू क्रेडिटर तीसरा रिटर्न परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना है क्रेडिट करोगे सेल रिटर्न रिकॉर्ड करते हुए डेबिट करते हैं आपने गलत रिकॉर्ड करा ठीक करने के लिए क्रेडिट एंट्री को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस एंड लास्ट प्रीपेड एक्सपेंस तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अब चेक करते हैं हम हमारा ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से कौन सा अकाउंट पिक करके कौन सा ट्रेडिंग जाएगा कौन सा पी एंड एल जाएगा कौन सा बैलेंस शीट जाएगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल हमारा बैलेंस शीट ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स हमारा बैलेंस शीट जाएगा लेकिन जर्नल एंट्री में अगर ड्राॅइंग्स आया है तो अमाउंट करेक्ट करना पड़ेगा जितनी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने बनाई तो हमने पहली एंट्री बनाई थी एक्सपेंस टू ड्रॉइंग्स बारह हजार ड्रॉइंग को आपने क्रेडिट किया है ड्राइंग तो का अमाउंट क्या करोगे माइनस यानी कि सत्तर हजार माइनस बारह हजार बैलेंस शीट में ड्राइंग्स किस अमाउंट से जाएंगी सत्तर हजार माइनस बारह हजार उसके बाद आ रहे हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना फिक्स्ड एसेट ओपनिंग गिवन है फिर फिक्स्ड एसेट एडिशंस गिवन है डेट करेक्ट करेंगे यहां पे भी मिस्टेक है दिस इज फर्स्ट अक्टूबर 2023 क्योंकि हमारा तो साल ही इकतीस मार्च चौबीस खत्म हो रहा है ना तो वन टैन ट्वेंटी फोर नहीं है दिस इज वन ट्वेंटी थ्री फिक्सड एसेट से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन तो ये हैं आगे चेक करते हैं अब देखो देयर इज डेप्रीसी इन साइड द ट्रायल बैलेंस बहुत ध्यान रखना है डेप है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो कितना है चौदह हजार और उसके बाद आपको गिवन है एडजस्टमेंट में डेप लगाना है दस परसेंट के रेट पर किस पर ऑन फिक्स्ड एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट ओपनिंग एक लाख चालीस हजार है फिक्स्ड एसेट एडिशन दो लाख है ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप चौदह हजार है एडजस्टमेंट कह रही है डेप लगाओ डेप लगाओ लेकिन साफ साफ कह रही है किस पर ऑन फिक्स्ड एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब है जो बैलेंस आ रहा है हमारे पास वो डेप लग कर के आया है यानी कि पहले से जो फिक्स एसेट का बैलेंस आ रहा है उस पर डेप लग चुका है और इसीलिए डेप हमें कहा दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज आएगी वो दो गलियों से गुजर के आएगी ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने के लिए जर्नल की गलियों से गुजरना होगा लेजर की गलियों से गुजरना होगा तो अगर हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें डेप दिख रहा है हमें कैसे हो सकता है डेप सीधा तो नहीं पहुंच सकता पहले कौन सी गली आएगी जर्नल फिर कौन सी गली आएगी लेजर इसका मतलब हम तो एंट्री बना चुके हैं डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट चौदह हजार ये एंट्री हम बना चुके हैं तभी डेप का लेजर बना है और तभी ये ट्रायल बैलेंस में पहुंची है इसका मतलब चौदह हजार फिक्सड एसेट के अमाउंट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है यानी कि हमारा पी एंड एल और हमारी बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट पुराने वाले तो एज इट इज एक लाख चालीस हजार पे चले जाएंगे इनमें से कुछ माइनस नहीं होगा और इधर हमारी डेप्रिसिएशन पुरानी वाली चौदह हजार वो एज इट इज अब हमने जो एसेट खरीदे हैं फर्स्ट अक्टूबर 23 को उसका अमाउंट है एसेट हमने खरीदे हैं दो लाख के तो ये जो एसेट आपने खरीदा है अब इसको ऐड करेंगे हम अब इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे हम दो लाख के एसेट लेकिन इस दो लाख के एसेट पर अभी डेप लगाना है वो एडजस्टमेंट कह रही है दस परसेंट पे लगाओगे तो दस परसेंट यानी कि बीस हजार लेकिन छ महीने का लगाना है तो फिर दस हजार डेपिसन देखो एसेट खरीद के लाए दो लाख का डेप का रेट आ रहा है दस परसेंट लेकिन इसको कब खरीदा फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी थ्री साल खत्म हो रहा है इकतीस मार्च चौबीस तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च छ महीने का तो छ महीने का डेप लगाया दस हजार ये आया हमारा फिक्स्ड एसेट का बैलेंस शीट अमाउंट एक लाख चालीस हजार प्लस दो लाख तीन चालीस तीन चालीस माइनस दस तीन लाख तीस हजार और ये जो दस हजार का डेप हमने लगाया ये हमारा साथ के साथ कहाँ आ जाएगा पी एंड एल के अंदर तो पी एंड एल के अंदर टोटल डेप आ गया है चौबीस हजार का ये है हमारी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आराम से देखो इसे तो देखो डेप्रिसिएशन एकदम क्लियर हो गया मतलब जो ट्रायल बैलेंस वाला है उसको तो बैलेंस शीट में ले मत जाना गलती से भी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है वो सीधा जाएगा पी एंड एल में और जो एडजस्टमेंट में लगाया है वो दोनों तरफ जाएगा वो फिक्स्ड एसेट से भी माइनस होगा और वो साथ के साथ पी एंड एल में भी आपको दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट वाला पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझ में आ गया है आपको आगे चलते हैं ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट परचेजेस परचेजेस ट्रेडिंग में जाएंगे पर कहीं जर्नल में तो नहीं आए थे हाँ सेकेंड रेक्टिफिकेशन परचेजेस टू क्रेडिटर्स इसका अमाउंट था सोलह हजार तो यानि कि परचेजेस हो जाएंगे सोलह लाख प्लस सोलह हजार अन वाले ऐड हो गए अब आ जाओ परचेज रिटर्न पे परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट सिक्सटी नाइन थाउजेंड का अमाउंट यहाँ पर आ रहा है लेकिन थर्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री में आ रहा है परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न क्रेडिट मतलब बैलेंस को बढ़ाना तो परचेज़ रिटर्न हमारा हो गया है सत्तर हजार का ठीक है एक बार इतना हम डाल दें हमारे फाइनल अकाउंट्स के अंदर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल को ले जाएंगे हम हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल आ गया छः लाख फिर हमने ड्राइंग्स डाली देखो सत्तर हजार माइनस बारह हजार ड्रॉइंग्स आ गई फिफ्टी एट ड्राॅइंग्स के बाद फिर हमने फिक्स एसेट डाला ओपनिंग स्टॉक डाला फिक्सड एसेट चेक करते हैं ये देखो थ्री थर्टी पर एक चालीस प्लस दो लाख माइनस दस हज़ार तीन तीस के एसेट आ गए डेप्रिसिएशन चेक करें चौदह हज़ार ट्रायल बैलेंस वाली और दस हज़ार जो हमने अभी लगाई डेप आ गया चौबीस हज़ार का फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ले गए हम साठ हज़ार का ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस सोलह लाख सोलह हज़ार और परचेज रिटर्न सेवेंटी थाउजेंड तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट परचेज सोलह लाख सोलह हजार परचेज रिटर्न सत्तर हजार तो हमारी नेट परचेज आ गई फिफ्टीन फोर्टी सिक्स उसके बाद आगे चलते हैं सेल्स सेल्स कहाँ जाएंगी ट्रेडिंग में सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में जाएंगी सेल्स रिटर्न पर रेक्टिफिकेशन है सेल्स रिटर्न हमने क्रेडिट किया है सेल्स रिटर्न जब भी हम क्रेडिट करते हैं तो बैलेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है तो सेल्स रिटर्न 99 नाइन माइनस वन तो सेल रिटर्न का अमाउंट है नाइंटी एट थाउजेंड डेटर्स एज इट इज कहाँ चले जाएंगे बैलेंस शीट क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स बैलेंस शीट दो लाख बीस हजार लेकिन क्रेडिटर्स पर हमने एडजस्टमेंट नंबर टू डाली है रेक्टिफिकेशन परचेज टू क्रेडिटर्स सोलह हजार तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे सोलह हजार से उसके बाद एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जाएंगे पी एंड एल एक्सपेंसेस का अमाउंट आ रहा है पचास हजार इसमें कौन सा अमाउंट एडजस्ट करोगे रेक्टिफिकेशन वाला तो देखो पहली एंट्री एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस डेबिट का मतलब अमाउंट बढ़ाना प्लस बारह हजार और लास्ट एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस एक्सपेंस क्रेडिट मतलब माइनस तो माइनस करेंगे छे हजार तो एक्सपेंस पी एंड एल में हमारे चले जाएंगे फिफ्टी सिक्स और बैलेंस शीट के अंदर प्री पेड एक्सपेंस कितना दिखेगा छ हजार यहां तक एक बार चेक करके आते हैं सेल्स से स्टार्ट करते हैं सेल्स डालेंगे हम बाईस लाख ,00 की सेल्स का अमाउंट सेल्स आ गई है बाईस लाख ,00 की सेल्स रिटर्न 98,000, एट सेल्स रिटर्न 98,000, एट थाउजेंड सेल्स रिटर्न के बाद डेटर्स टू लाख फिफ्टी थाउजेंड क्रेडिटर्स टू ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन हम जाएंगे बैलेंस शीट में डेटर्स 250 फिफ्टी क्रेडिटर्स टू ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन टू थर्टी सिक्स देन एक्सपेंसेज फिफ्टी प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स पी में लेकर जाएंगे फिफ्टी सिक्स हमारा पी एल एक्सपेंस आ गए हैं 56, सिक्स फिफ्टी माइनस सिक्स फिफ्टी माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व साथ ही साथ लेकर के जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर प्री पेड एक्सपेंस प्री पेड एक्सपेंस एक्सपेंस है 6000. ये 5000 कोई और प्रीपेड होगा अभी चेक करेंगे एक्सपेंस का प्रीपेड कितना है 6000. हजार एक्सपेंस के बाद हमारे पास है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक फिक्स डिपॉजिट विद बैंक एफडी तो कहाँ जाती है बैलेंस शीट में दो लाख ,00 की एफडी है दो लाख ,00 की एफडी पर बीस हज़ार का इंटरेस्ट है इंटरेस्ट कहाँ जाएगा पी एल के अंदर दो लाख ,00 की हमारी एफटी बैलेंस शीट के अंदर एसेट है एफटी हमारा और बीस हज़ार का इंटरेस्ट पी एंड एल के अंदर इंटरेस्ट ऑन एफ देन, कैश कैश लिखा है लेकिन ध्यान रखना है कैसा बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट तो कैश लिखा है लेकिन बैलेंस कैसा है क्रेडिट इसका मतलब इट इज एन ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट हमारे पास है आठ हजार का हमारी बैलेंस शीट ओवरड्राफ्ट आठ हजार कैश के बाद सस्पेंस अकाउंट दो हज़ार देखो खूबसूरती अकाउंट्स की जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो सस्पेंस दिख रहा था दो हजार का क्रेडिट और अभी आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली थर्ड उसमें सस्पेंस क्या हो गया दो हजार से डेबिट जब तक हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था हमें पता नहीं चल रहा था 2000 का डिफरेंस क्यों है तो सस्पेंस डाल दिया फिर हमें गलती मिल गई गलती मिलते ही सस्पेंस ख़त्म हो जाना चाहिए और वो हो गया यहाँ क्रेडिट 2000, जर्नल एंट्री में डेबिट 2000, तो सस्पेंस का बैलेंस अब निल तो सस्पेंस अब कहीं नहीं दिखेगा अब हमारी बैलेंस शीट में सस्पेंस नहीं आएगा सस्पेंस के बाद डेप्रीसी डन देन रेंट रेंट आ रहा है सत्रह महीने का अप टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट सत्रह हजार देखो सत्रह महीने का सत्रह हजार है तो एक महीने का एक हजार ठीक है तो बारह महीने का बारह हज़ार हमारा रेंट पेड है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तक और हमारा ईयर खत्म हो जाता है थर्टी फर्स्ट मार्च तो हमने कितना महीना एडवांस दे रखा है अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त पाँच महीने तो सत्रह हज़ार में से इस साल का कितना बारह हज़ार और एडवांस कितना पाँच हज़ार तो पी एंड एल में कितना जाएगा बारह हज़ार और बैलेंस शीट में कितना पाँच हज़ार तो रेंट को जरा पोस्ट कर दें सबसे पहले तो हमारा पी एंड एल रेंट है बारह हजार सत्रह माइनस पांच साथ ही साथ हमारी बैलेंस शीट तो ये जो पाँच हजार का अमाउंट है ये बेसिकली क्या है प्रीपेड रेंट प्रीपेड रेंट है पांच हजार तो टोटल प्रीपेड हमारा हो गया है ग्यारह हजार आफ्टर रेंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स बारह परसेंट ढाई लाख इन्वेस्टमेंट तो कहाँ जाएंगी बैलेंस शीट में लेकिन देखो ये इन्वेस्टमेंट हमने कर दी थी फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी थ्री को और अभी हमारा साल खत्म हो रहा है इकतीस मार्च चौबीस को तो क्या हमारा इंटरेस्ट अक्रियु हो चुका है यस यस फर्स्ट ऑगस्ट को इन्वेस्टमेंट हमने तो कर दी थी तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आठ महीने का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनता है सबसे पहले जरा इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हमारी आ गई है ढाई लाख की इन्वेस्टमेंट आ गई ढाई लाख इस पर इंटरेस्ट बनता है इंटरेस्ट चेक करें ढाई लाख का अमाउंट बारह परसेंट का रेट आठ महीने का टाइम तो इंटरेस्ट कितना बना बीस हजार तो इंटरेस्ट अक्रूट है तो पी एंड एल में दिखाएंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट अक्रूट ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास है बैंक बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाहर हमारे पास था स्टॉक स्टॉक एक लाख है बैंक बैलेंस वन सिक्सटी नाइन है तो पहले बैलेंस शीट में आते हैं बैंक बैलेंस और में स्टॉक स्टॉक वन लाख क्लोजिंग स्टॉक को साइड बाय साइड ले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आ गया है एक लाख का उसके बाद डेप हमने पोस्ट कर दिया है और ये सारी एडजस्टमेंट्स भी हमने पोस्ट कर दी हैं तो चलिए देखते हैं क्या अब जीपी निकल जाएगा या नहीं तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट सब हमने पोस्ट कर दिया है जीपी आ जाएगा 596 जीपी ले गए पी एंड एल के अंदर सारी पोस्टिंग हो चुकी है प्रॉफिट आ गया 544 का प्रॉफिट को ले गए बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट चेक करें सब पोस्टिंग हो चुकी है लास्ट में बैलेंस शीट टोटल तेरह लाख तीस हजार ठीक है क्लियर क्वेश्चन तो चलो आज इतना ही करेंगे बैलेंस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग